इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर टीवीएस ने हाल ही में अपनी बेहतरीन जो 100 और 110 cc सेगमेंट में किंग मानी जाती है टीवीएस स्टार सिटी प्लस इस गाड़ी को उतार दिया है BS6 में। हमेशा की तरह मार्केट रिव्यू से कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं, साथ ही इसे यूज कर रहे कुछ लोगों से वही टेस्ट राइड लेकर लौटे कुछ ऐसे लोगों से बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं। उन्हीं पॉइंट्स की मैंने एक समरी बनाई है और उसी समरी के आधार पर अगेन आज का ये वीडियो होने वाला है, जहां पर हम बात करेंगे कैसे है इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसा है इसका राइड परफॉर्मेंस, कैसी है इसकी टायर्स की ग्रिप, कैसी है इसकी सिटिंग पोजीशन, कैसे है इसके सस्पेंशंस। तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। वैसे लुक हमेशा एक सब्जेक्टिव मैटर रहा है, इस सब्जेक्ट पर ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है मुझे इस गाड़ी का लुक काफी अच्छा लगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। वही अगर मोटा मोटी तौर पर बात कर ली जाए तो कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत ग्राफिकली और मैकेनिकली चेंजेस के साथ आपको टीवीएस ने ये गाड़ी हूबहू उसी तरह उतार दी है जैसे पहले थी। मेन मुद्दे की बात आती है कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस गाड़ी में हर जगह जहां भी प्लास्टिक मटेरियल और जहां भी फैब्रिक मटेरियल यूज करा गया है तो ये पहले वाला ही आपको मिल रहा है। यानी कि BS4 में जब ये गाड़ी थी तो वहां पे उसमें काफी स्ट्रांग क्वालिटी के जो है प्लास्टिक मटेरियल और फिट एंड फिनिश काफी अच्छी मिलती थी। वहीं यहां पर थोड़ी सी 19-20 का फर्क अपग्रेड करके अब वापस BS6 में आपको सेम पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसके रियर लाइट की क्वालिटी, हेडलाइट की क्वालिटी, स्विचेस की क्वालिटी, जो इसका चेसिस है उसकी क्वालिटी, टायर्स की क्वालिटी, अलॉय व्हील की क्वालिटी, सीटिंग की क्वालिटी, सस्पेंशंस की क्वालिटी, एवरीथिंग जो भी है, जैसे भी है, जहां भी इसे असेंबल करा गया है, फिक्स करा गया है, अपने आप में बेहतरीन साबित होता है। टीवीएस ने यहां पर किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग करी हुई नजर नहीं आती है, तो इस तरह की बेहतरीन फिट एंड फिनिशिंग आपको इस गाड़ी में मिल रही है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी अपने आप में काफी अच्छी मानी जाती है। वैसे भी ये टीवीएस की गाड़ी है और टीवीएस हमेशा बिल्ड क्वालिटी पे काफी ज्यादा ध्यान देता है। आइए बात कर लेते हैं इसके हैंडलिंग की और परफॉर्मेंस की। तो देखो, जहां तक मैंने इसे राइड करके टेस्ट किया, टेस्ट राइड इसकी ली, तो 116 की ये गाड़ी आती है, 116 kg की ये गाड़ी है। उस हिसाब से अगर इनिशियल पिकअप की बात कर ली जाए तो इनिशियल पिकअप पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूव यहां पर देखने को मिलता है। वही अगर आप इसे हाईवे पर चलाते हो तो 70 से 80 किलोमीटर पर हवर का स्पीड ये इजीली क्रॉस कर लेती है। अब अगर 70-80 का क्रॉस कर लेती है तो उस वक्त किसी भी तरह के वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं, ना ही आपके फुटपेक्स पे होते हैं और ना ही आपके हैंडल बार पे होते हैं और बाकी किसी जगह पर भी महसूस नहीं हुए। साथ ही कुछ लोगों से ये भी सुनने को मिला कि इसमें 80 के बाद भी किसी भी तरह का पावर लैक महसूस नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हो कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, उसे ज़्यादा एक्सलेटर देना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से ये दिक्कत यहाँ पर नहीं मिली अभी तक। तो हो सकता है अब ये गाड़ी नई है तो नई गाड़ी चलाने में हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं पता चल पाया हो, लेकिन जब ये थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो शायद ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ, यानी कि इससे पहले जो BS4 के मॉडल आते थे उनकी बात करूँ, तो हाँ ये सच है कि 80 के ऊपर भी आपको इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस नहीं होते हैं और ना ही स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है। चढ़ान पर भी आराम से चढ़ जाती है, डबल सीट भी आराम से चढ़ जाती है और ऐसे में गाड़ी स्मूथ चलती है। अब ये BS6 में इंजन आ गया है, FI के साथ आ गया, तो यहाँ पर भी आपको शायद आगे दिक्कतें नहीं आने वाली। इस तरह से इसकी जो हैंडलिंग है वो आपको मिल रही है। साथ ही इसमें जो आपको कॉर्नरिंग अगर आप करते हो, पहले बता दूं कि ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, स्पोर्ट बाइक नहीं है, इस हिसाब से आप थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग इस पे कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब उस वक्त भी जो ये आपको काफ़ी अच्छी जो है कॉर्नरिंग में सपोर्ट करती है, स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। सामने से कोई बड़ा हवा का झोंका आ रहा है, यानी कि विंड आ रही है, उस टाइम अनस्टेबल सी जो है गाड़ी लहराने लग जाती है थोड़ी सी, उस टाइप का कुछ महसूस होता है, तो वो वाला प्रॉब्लम भी इस TVS Star City Plus BS6 में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। हाँ, अगर आप 85 या फिर 90 के ऊपर जाते हो तो थोड़ी सी अनस्टेबल या फिर अनकंट्रोलेबल आपको गाड़ी जो है महसूस हो सकती है, लेकिन कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी के लिए इतना स्पीड काफी है, तो 80 के ऊपर ना ही जाए तो बेहतर है। इस गाड़ी में आपको 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स विद अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि अपना काम बखूबी निभाते हैं। इसके इंजन की बात कर ली जाए और उसके परफॉर्मेंस की भी बात कर ली जाए तो 109 cc का यह इंजन मिलता है, यानी कि 110 cc की यह गाड़ी है और जो टेक्निकली देखा जाए तो 109 cc का यह इंजन आपको मिलता है। उस हिसाब से अगर कंपेयर करा जाए इसकी सेगमेंट में आने वाले इसके कॉम्पिटिटर्स, पैशन प्रो और भी तरह तरह के कॉम्पिटिटर्स है इसके, अगर पैशन प्रो से इसकी कंपेयर की जाए तो पैशन प्रो के मुकाबले
मुकाबले इसका इंजन खासा स्मूथ लगा हुआ है। साथ ही अगर स्प्लेंडर से भी इसका कंपैरिजन करा जाए तो BS6 में तो गाड़ी अभी अभी आई है स्प्लेंडर की, लेकिन BS4 के साथ अगर कंपैरिजन करा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा स्मूथनेस का एहसास आपको TVS Star City Plus दिलाती है। वही जैसे मैंने कहा कि 70-80 किलोमीटर पर हवर के बाद भी गाड़ी पर कहीं भी वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं, उस हिसाब से इंजन का भी रोल काफ़ी ज़्यादा इसमें रहता है, 100% इंजन का ही रोल रहता है। तो उस इंजन में 80-85 के बाद भी किसी तरह के नॉइस जो है अंदर नहीं आती है। इसकी सीटिंग की बात कर ली जाए तो देखो 785 mm की ये सीट हाइट मिलती है, जो कि 5.3 इंच के ऊपर के बंदों के लिए काफी बेहतरीन है। उसके नीचे अगर आपकी हाइट है तो आपको थोड़ी सी जमीन पर पैर टिकाने के लिए दिक्कतें आ सकती है, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से ये काफी अच्छी जो है इसकी हाइट है ठीक ठाक ही है। अब यहां पर जो सीटिंग है वो आपको पहले के मुकाबले थोड़ी अच्छी कुशनिंग यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। यहां पर ड्यूअल टोन सीट आपको मिल जाती है पहले के मुकाबले, वही साइज जो है अपनी वही BS4 में जो मिलती थी वही मिलती है। लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है, इस पर 3 बंदे भी आराम से बैठ सकते हैं। बिठाना मत हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 3 बंदे बैठ सकते हैं, इतना स्पेस है, लेकिन 2 ही बंदे बैठकर कहीं पर भी जाए, तीसरा मत बिठाना, चलान लंबा कट जाएगा। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक 5 स्टेप एडजस्टेबल जो सस्पेंशन इसके हैं वो भी अपना काम बखूबी निभाते हैं। अगर आप उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहे हो, गड्ढे वाले रास्ते पर चल रहे या फिर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ही क्यों ना हो कर रहे, अगर आप 2 लोग हैं तो आपके लिए गाड़ी बहुत ही अच्छा जो है सस्टेन करेगी, पीठ में कंधों में कमर में दर्द इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अब अगर आप सिंगल बंदे हो तो जो आपके रियर सस्पेंशन से थोड़े से आपको हार्ड नज़र आ सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। अब ये भी पॉइंट मैं 50-50 सेगमेंट में रखना चाहूंगा, कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि इसके सस्पेंशन एक बंदा बैठ के अगर जा रहा है तो थोड़े हार्ड नजर आते हैं, लेकिन अगर 2 बैठ के जा रहे हैं तो ठीक ठाक से है। अब कुछ लोगों को बिल्कुल इसके एग्जैक्ट उल्टा जो है नजर आया हुआ है, काफी अच्छे सस्पेंशन इसके लगे हुए हैं। उस हिसाब से अगर पर्सनल मेरे ओपिनियन की बात करूं तो इसके सस्पेंशन काफी अच्छे है, बेहतरीन है किसी भी एज ग्रुप के बंदे के लिए। वही ब्रेकिंग की अगर बात कर ली जाए तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक की तरह ब्रेकिंग जो है सिस्टम मिलती है, जो कि अपना काम बखूबी निभा लेती है। 65-70 के बीच में अगर स्पीड पे गाड़ी हो और पैनिक ब्रेकिंग की अगर सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे में काफी अच्छे से कंट्रोलिंग पावर अपने आप में ये दोनों ही ब्रेक रखते हैं। फ्रंट गियर अगर गियर दबाते हो तो आपका फ्रंट भी थोड़ा सा फंक्शन में आ जाता है, तो उस तरह से जो है आपकी गाड़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। वही अगर आपको रात में इसे लेकर जाना पड़े तो जो इसकी हेडलाइट की क्वालिटी है यानी कि जो विजुअल एबिलिटी है, फोकसिंग है, वो काफी अच्छी है, क्योंकि इससे पहले जो लाइट मिलता था वो हैलोजन मिलता था, आज की डेट में आपको LED मिल गया है, तो इसका जो विजुअल एबिलिटी इफेक्ट है काफी दूर तक है, लंबा रास्ता आपको दिखाता है, तो डार्क नाइट में भी आपको इस बार दिक्कतें नहीं आने वाली। माइलेज की अगर बात करूं तो 10 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। इसके पहले वाले जो वेरिएंट थे वहां पर आपको 60 तक का माइलेज मिल जाता था यानी BS4 में। अब जब ये BS6 में आ गई है, FI के साथ आ गई है, तो डेफिनेटली माइलेज कहीं ना कहीं इंप्रूव देखने को मिल सकता है, इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। ये कितना मिलेगा ये अभी तक एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन टेंटेटिव अगर बताओ तो 65 से लेकर 70 के बीच में मिल सकता है। वही माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे रगड़ते हो, इस हिसाब से 65 से लेकर 70 के बीच में आपको सिटी एज वेल एज हाईवे माइलेज मिल सकता है। फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइस भी हमेशा अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह अलग अलग प्राइस होती है, ऑन रोड प्राइस कुछ और ही होती है। तो देखो 65 से लेकर 70,000 के बीच में आपको यह गाड़ी अलग अलग जगह पे मिल जाती है, आपके नजदीकी शोरूम से पता कर सकते हो इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है आपकी सिटी में। अब अगर आप आज इस गाड़ी को खरीदते हो तो कभी ना कभी तो बेचोगे। अब बात अगर आती है रीसेल वैल्यू की तो देखो इसकी यानी कि TVS Star City प्लस की और स्प्लेंडर की कभी भी रिसेल वैल्यू को नहीं देखना चाहिए, ये डेफिनेटली एवरग्रीन ही होते हैं, ऐसा मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अच्छी खासी दामों पर आपकी जो गाड़ी है वो रिसेल में बेची जाती है दोनों ही, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये उस वक्त की वैल्यू पे डिपेंड करता है, मेंटेन कैसी रखी है आपने गाड़ी और कब आप बेच रहे हो, उस टाइम जब आप बेचने जाओगे तो उस वक्त अगर गाड़ी की हालत खराब है तो उस हिसाब से प्राइस मिल सकती है, अच्छी है तो उस हिसाब से अच्छी खासी मिल सकती है। फाइनली अगर मोरल की बात कर ली जाए, क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए 65 से लेके 70,000 रुपीज पे करके, इससे बढ़िया ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है या फिर सिर्फ यही एक गाड़ी है जो वैल्यू फॉर मनी है?
तो देखो, अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मेरा जवाब है कि इसके कॉम्पिटिटर भरे पड़े हैं मार्केट में, स्प्लेंडर है, एच गियर है, फैशन है, तो इन गाड़ियों को अगर टक्कर देना चाहे तो इन सभी गाड़ियों के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, किसी चीज़ में कोई गाड़ी अच्छी है तो किसी चीज़ में कोई और ही गाड़ी अच्छी है, ये तो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी में कौन सी चीज़ें आती है। कुछ लोगों को कंफर्टनेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ लोगों को सिर्फ माइलेज चाहिए होता है, कुछ लोगों को सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए होता है, कुछ लोगों को सिर्फ स्पीड चाहिए होता है, तो तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के डिमांड भी होते हैं, उस हिसाब से आप तय कर सकते हो। अब इस गाड़ी की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी है। आज की डेट में इससे बेहतर पैकेज आपको नहीं मिलना है। जो मैंने कॉम्पिटिटर्स बताए, जैसे एच गियर, इसका टफ कॉम्पिटिशन आता है, वही स्प्लेंडर प्लस BS6 में आ गया है, तो ये भी उसको काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन दे पा रहा है। आने वाली वीडियोज़ में आपको इनके कंपेरिजन भी मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसे लेनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स मैंने बताए, ये भी बताया कि क्यों लेनी चाहिए। अगर आपके पास भी ये गाड़ी है, यानी कि आप इस BS6 के ओनर हो जो TVS Star सिटी प्लस BS6 में आ रही है उसके, तो कुछ पॉइंट्स मुझसे अगर छूट चुके जितने मैंने बताए उनमें से, तो आप मुझे अगर सजेस्ट करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पर फॉलो करके आप मुझे बता सकते हो। साथ ही कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला है। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वही अगर आपकी गाड़ी के लिए रिकमेंडेड ऑयल आप ढूंढ रहे हो कौन सा है, ट्राइड एंड टेस्टेड ऑयल की एक लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपकी गाड़ी के नाम के सामने जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके उसे बाय कर सकते हो। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।